अरे अम्मा उठ जाओ ना। अरे जुगनू सोने दे, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं बड़ा ही भयानक ख्वाब देखा है कसम से। अपने अब्बा को देख लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने खाला जहांगीर को देखा। कि वो मेरी शादी रंडवे बुढ़े के साथ करवा रही है और मैं जवानी में तुम्हारी तरह बेबा हूँ। आय हाय, अल्लाह ना करे जुगनू। आय खबरदार जो तूने आगे एक लफ्ज भी निकाला होगा। आय हाय, मुझ बदनसीब का कभी साया ना पड़े मेरी मासूम बच्ची पे। आय जुगनू, मैं उस टाइम कोई 15 बरस की थी जब तेरे अब्बा से मेरी शादी हुई। 50 साल के बुड्ढे थे। अरे सारी उम्र। हाय हाय अम्मा, 100 दफा की सुनी विरुदाब है, कसम खुदा की दोबारा मत शुरू हो जाना। पते की बात ये है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, मेरा मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहती हो, तो खुदा के लिए आवाज उठाओ मेरे लिए, बोलो कुछ। उठाऊंगी, करूंगी, बात क्यों नहीं करूंगी, लेकिन जरा उस बख्शी से ना पूछताछ तो कर ली। हाँ हाँ, बख्शी जी से पूछताछ कर ली। उसे कहा लड़का बहुत अच्छा है, कारोबार बहुत अच्छा है, खानदान बहुत अच्छा है अम्मा। अरे तू नहीं जानती, वो बख्शी मुआ है ना। मुआ नहीं है, बख्शी बहुत अच्छा है, तुम्हारी तारीफें करता है, अमरूद भी तो तुम्हारे लिए भिजवाता है, कहता है तुम्हारी अम्मा क्या सुगढ़ है, क्या सुशील है, क्या सुंदर। बस पक्षी मुआ बुढ़ा ही रह गया तारीफ करने के लिए मेरी। करूंगी मैं बात। किससे? बख्शी जी से। मैं किससे करूंगी बात? अरे आपा जहांगीर से। अरे मेरी आए आए, मेरी पसली तोड़ दी जुगनू, परे हट। आए आए, मुझ बुढ़ी की दो हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी। वाह भाई वाह, क्या खूब सिला दे रही हो हमारी नेकियों का हमें। आए सुनती हो किशो? सुभान अल्लाह, शाहजहान बीबी सुभान अल्लाह। पापा चाहे मेरी जान ले लो, मगर इस टाइम में उसे कैसे मना कर सकती हूँ? मेरी बच्ची ने कभी कोई फरमाइश नहीं की। हाँ हाँ, मैं तो दुश्मन हूं ना उसकी। अरे एक अजनबी लड़का, निरा मुस्टंडा, और वो औरत है, मुझे तो कोई मंडवे वाली लग रही थी। तुम्हारी तो अकल पे पत्थर पड़ गए शाहजहां। पापा अब अगर वो अपनी जाती जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की इजाजत मांग रही है तो मैं कैसे इतनी खुदगर्ज बन जाऊं। पापा आपको क्या आफत आई है जो इन्हें समझा रही हैं? आंख में टक्का है, याद है ना उस रोज जिस रोज जुगनू अमरूद तोड़ने बाग में गई थी, वापसी आई थी तो चेहरा कैसे सुर्ख हो रहा था। पर किशो दुनिया तो मुझे ही सुनाएगी ना, ना जात का पता ना खानदान का पता। हटो। पापा खानदान वालों ने कौन सा मुझे खजाने दे दिए हैं जो वापस ले लेंगे? पापा ये शादी होने, पता नहीं किसकी दुआओं की बदौलत मेरी बच्ची का हाथ मांगने शहजादा आया है। आपा खुदा के वास्ते। आए आपा अब बस भी करें, इजाजत दे दे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। आए मेरी बला से जो चाहो सो कर, पर इतना बता दूं बीबी कि मैं अपने पैसे नहीं खर्च करने वाली ये बारात की खातिरदारी पर। बस अब रहने भी दो, जाओ जरा चाय तो बनाओ, कितनी देर से आई हुई है किशो। अच्छा अरे आपा चाय जरा कड़क बनाइयो। बात सुनो साहब जी, तुमने मुंशी जी को देखा है?
अरे क्या गौर गौर से देखे जा रहे हो, बताओ मुंशी जी को देखा है, बड़ा जरूरी काम है, बता दो। वो लंबे से है, बुढ़े से, काले से। अंदर होंगे। शुक्रिया, अब तुम भी जाओ ना। छोटे मालिक, आपने बुलाया? जी बख्शी जी। बख्शी जी, मुझे यहाँ पे एक लड़की नजर आई थी। लड़की? जी जी, कोई मॉडल वाडल देखी होगी साहब? हाँ, लेकिन मॉडल नहीं लग रही थी, वो यहीं की थी शायद। नहीं नहीं साहब, कसम से साहब, नहीं, मॉडल के अलावा कोई और लड़की नहीं हो सकती साहब, फार्म हाउस में तो बिल्कुल भी नहीं साहब, बाकी तो आप मुझे जानते ही हैं। ठीक है। है आपा, जुगनू तो बड़े कमबख्त नसीब वाले निकले, ऐसा कमबख्त हीरो फांसा है, हम तो गधे के गधे ही रहे। ए चुप कर, तुझे लग रहा होगा हीरो, मुझे तो उसकी खाला कोई नायिका लग रही है। अजीब किस्म के लोग हैं, अल्लाह जाने कहां छलांग लगा रही है ये जुगनू कमबख्त। ए तुमने भी तो दिलचस्पी ना ली, जरा जाके देख ही लेती घरवाल लड़के का। ए हमारी बला से दोनों माँ बेटियां हथेली पे सरसों जमाए बैठी थी। मुबारक हो, ये कहाँ हो गया? मुबारक। बिठा रखा, रुखसती कर भी दो ना। चुप कर ईशा। बस बस इमो, यहीं रोक दें, बस मैं यहाँ से टैक्सी से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको उतार देता हूँ। इमो, वो टैक्सी का किराया तो दे दे। आप बैठे ना, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। अरे नहीं, कहाँ तुम उन तंग गलियों में घूमते फिरते रहोगे, और तुम्हें पता है ना वहाँ मुड़ने तक की तो जगह नहीं है। बस बस प्लीज यहीं रख दो। अच्छा। ये ले आप। ओ किराया। आज तो दुल्हन साथ है, कम से कम 1000 का पत्ता तो दो। अच्छा हाँ, 1000 का पत्ता ले लो। ये ले। ये। थैंक यू इमू, थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखना। इमू, ये तुम्हारी असली खाल है? तकरीबन। जी। जुगनू, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अभी पहुंच जाते हैं। हाय हाय, थक के बुरा हाल हो गया मेरा तो। अरे भाई, जोहर कहा था, मगरिब कर दिया रुखसती करते करते। मुझे तो खाने का इरादा लग रहा था।
तो खिला देती, ढाई लोग तो थे। मैं तो खिला भी देती अगर कोई सचमुच की शादी होती। ए आपा, तो क्या सारा ड्रामा था? यूं ही समझ लो। अल्लाह मेरी जुगनू के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। यहाँ पे रहता हूँ और आज के बाद तुम भी यहाँ पे रहो। आज सच पूछो ना शाहजहां, तो जो कुछ हुआ मुझे ड्रामा ही लग रहा था। आज तुमने कभी सुना है एक करोड़पति लड़का आया, एक मैली कुचैली लड़की पे आशिक हो जाए और झटपट शादी करके ये जा वो जा? अरे आपा, कहानियों में ही होता है ये सब। है वही तो मैं कह रही हूँ, कहानियों में होता है। बस अब दुआ करो कल उसे मिलवाने ले आए। इतनी उजलत थी तुम्हें इतनी जल्दी? अरे तुमने तो लड़के के बारे में कुछ पता ही ना किया, उसका घर बार खानदान कुछ भी नहीं। आए इतना बोझ थी लड़की तुम पे। ए हाँ पापा, पापा पता क्यों नहीं किया? अक्षय जी है ना, वो तो जानते हैं और निका के फार्म में होगा उसका पता, नहीं तो शनाख्ती कार्ड में तो होगा ही। बख्शी जी, ए शनाख्ती कार्ड नकली भी तो हो सकता है। पापा ऐसी बातें तो ना करो, मेरा दिल बैठा चला जा रहा है। आजा। लेकिन भाई तुमने तो कहा था कि तुम बड़े से स्टूडियो के मालिक हो, तुम बड़े अमीर कबीर इंसान हो, तो तुम यहाँ कैसे रह सकते हो भाई? अरे मैंने ऐसा कब कहा? और ऑफ कोर्स तुम लोगों ने भी कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, और मैंने भी कुछ नहीं पूछा। अब तुमने खुद से कुछ ऐसा समझ लिया तो मेरा क्या कसूर? लेकिन बख्शी जी तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? झूठ बोला क्या उन्होंने? झूठ तो नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने झूठ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं किया तो मसला क्या है? खैर इन फजूल बातों को छोड़ो। अरे वाह क्या खूबसूरत लग रही है तुम्हें देख के, तो जन्नत की हूरें शर्मा रही। माफ कर दा आपा, ये सारी बातें पहले सोचने की हैं। अब कोई फायदा नहीं इन बातों का। अरे ये माँ बेटी किसी के सुनती तब ना, इतना समझाया था उन पे तो शादी का भूत सवार था और ये उसे मेरे जुल्म से निजात दिलाना चाह रही थी। क्यों है आपा, कहीं लड़की को बेच ही न डाले। खैर अब ऐसा भी अंधेर नहीं है। आई लड़के का फोन नंबर तो लिया था ना? नंबर अम्मी को गलतफहमी हुई थी तो तू तो बता सकता था ना। कॉल मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे मौका नहीं दिया तुमने। कौन से मौके चाहिए तुझे? घर वालों से मिलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। आई बीबी, घर वाले होंगे तो टाइम मिलेगा ना। हमने तो सुना है टुटरोंटू है। अब चाय का मूड हो रहा है, तुमने पीनी है क्या? देखो चाय तो मैं भी बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की चाय पीना चाहता हूं। साथ में बिस्कुट भी लेकर आऊं? हाँ कबर्ड में पड़े हैं, ले आओ तो। अरे तेरी तो मैं, झूठे मकर, मुझे धोखा दिया तुमने। अरे इधर। अरे क्या कर? अम्मी को गलतफहमी हुई थी तो तू तो बता सकता था ना। बोल मेरी
अपनी जिंदगी खराब कर दी। मुझे मौका नहीं दिया तुमने। कौन से मौके चाहिए तुझे? मैं सच्ची सीधी सादी भोली भाली सबको सच से बता दिया तुझे, तुझसे ना सच फूटा गया। रुको रुको रुको, देखो देखो मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी। शौहर क्या भाड़ में, रिस्पेक्ट का कहीं कुछ लगता? रंगीले की शक्ल वाले तुझसे तो कोई मर के भी ना शादी करे। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। खाला जहांगीर तो मेरा मजाक उड़ा उड़ा के मुझे मार देंगे। ये फ्लैट तो तुम्हारा अपना है ना? हाँ। नहीं। हाय हाय हाय, इतना सा फ्लैट वो भी किराए का। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझसे शादी कर। सोचा था अम्मा को यहाँ लेके आऊंगी, ऐश मौज करूंगी, कितने जतन किए मैंने। जुगनू देखो, अम्मा के बारे में परेशान मत हो, वो मेरी भी अम्मा है, सफाई करवा लो। अरे रहने दो, इसको दूध से भी धुलाओगे ना तो ऐसे कैसे ही रहेगा। काला जहांगीर, काला किशोर मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो देखो, रो मत। अरे चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ। चाय बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा लाता हूँ, बिस्किट भी लाऊं? नहीं मैं जा रहा हूँ। हेलो। हाय मो, याद है? हाँ हाँ जी, मुझे पता है, वो मैं कर लूँगा सारा जी से बात। हाँ अगर सारा जी के साथ बात ना बनी तो हमारे पास कुछ सेकंड ऑप्शन तो होनी चाहिए। अबे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है यार, उसी को लाइनअप करो। कितना ऊंचा बोलता है ये। हाँ जी जी, मैंने बात सुन ली आपकी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कर लूँगा कुछ जी। चाय बनाई? काला जहांगीर जैसी भी, तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोला। झूठे मंकार, एक नंबर के ठगबाज। फैसला किया मैंने। कैसा फैसला? काला जहांगीर को हंसने का मौका नहीं देना। मैं जो हो गया सो हो गया, अब मैं यहीं रहूंगी। मैं उनको कहूंगी कि तुम बहुत अमीर हो, तुमसे पूछो तो तुम भी ये कहना। अब तुम मुझसे झूठ बुलवाओगी क्या?
हाँ मैं भी यही कह दूंगा कि मैं अमीर हूँ। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? यही कोई 10,000 नहीं 15,000 20,000 है तो मैं 15,000 दूंगा। आरा जहांगीर तो 1 रुपया नहीं देती थी मुझे, अम्मा दे देती थी कभी 10-30 रुपये। तो वाकई बहुत मजलूम लड़की है। मजलूम ना होती ना तो बगैर देखे भाले तुम जैसे शादी ना कर लेती मैं। अब्बास कहीं के बेशरम इंसान, उल्लू बनाया मुझे। पकड़ चाय पी, पकड़। चाय बना दी है मैंने, इससे तो मैं अपने घर ही भली थी, भले से मियां से मार ही खाती थी ना। आपा जहांगीर ने ना तो यहां कोई नौकर रखा हुआ है और ना खुद बिस्तर से हिलती हैं। है मेरी जुगनू ही थी जो यहां सब कुछ किया करती थी। हाँ ना जाने बिचारी पे क्या बीती होगी। आपा शाहजहां कोई फोन आया? अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर। चले तो चले। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अब वो दरअसल मैंने सोचा कि आप इस घर में तीनों हवातीन मौजूद हैं तो क्यों ना आप लोगों के लिए नाश्ता ही लेके चले। क्यों जुगनू? ऐ मुस्कुरान, ऐ मेरे बच्चे, ये तो तुम्हारी सादत मंदी है। बस। अरे खाला जहांगीर, अरे आप तो कुछ भी नहीं खा रही, ये सैंडविचेस खाए ना, इम्मू की फेवरेट बेकरी के हैं, अक्सर ब्रेकफास्ट वहीं से करते हैं। क्यों स्वीट हार्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। आपा जहांगीर ये पूरियां ले, बहुत अच्छी हैं। बस बस मुझे तो यही काफी। अरे खाला किशो, रूखे ही खाए जाएंगी हलवा पूरी, ये जूस पियो, बड़ा ही अच्छा है तुम्हारे लिए, अगली दफा खालू को लड़ाई में हरा के छोड़ोगी। अरे फिर तो मैं जरूर पीऊंगी। अरे मैं भी यही कहती हूँ। अरे किशो तू बस जरा सी मार खा गई अपनी सेहत से, अरे वरना ऐसो ऐसो वो तो चुटकी बजा के यूं गिरा दे। अरे क्या बताएं, इम्मू तो इतने बिजी रहते हैं, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी कनाडा, घर वालों से मिलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। आई बीबी, घर वाले होंगे तो टाइम मिलेगा ना। ए, हमने तो सुना है टूटरोटू हैं। अब मिल गए ना घर वाले। आई लो, हम क्यों होने लगे घर वाले? ये किशो तो खैर से अपने घर को सिधारेगी, और मुझे तो बीबी तुमने कभी अपना रिश्तेदार समझा ही नहीं। अब ले दे के एक रह गई तुम्हारी अम्मा, तो इनको तो साथ ही लेकर जाओगी ना? हाँ हाँ अम्मा को साथ लेके जाऊंगी, अम्मा को भला क्यों नहीं साथ लेके जाऊंगी, लेकिन हनीमून के बाद। आए तो जुगनू वलीमा कब है? वलीमा भी हनीमून के बाद ही होगा। आए तो हनीमून पे कहाँ जा रही हो? हनीमून पे हम पेरिस जा रहे हैं। क्यों स्वीट हार्ट? हाँ श्योर श्योर क्यों नहीं। पारी जुगनू तेरे नसीब, एक मेरे मियाँ है, कमबख्त दालू खेत से आगे ही नहीं बढ़ता। छोड़ किशोर, तू सही से नाश्ता कर। अरे आप जहांगीर और ले ना। क्या देख रहे हैं छोटे साहब? बख्शी जी,
पेरिस, मेरे ख्वाबों का शहर। आप कहें कभी पेरिस ऐसे? जी हमारा तो यही पैलेस फॉर्म हाउस है। हाय बख्शी जी, बाबा साहब ने ज्यादती कर दी मेरे साथ यहाँ भेजकर। मैंने तो दुनिया देखनी थी यार अभी। ये भी दुनिया ही है जी। यूनिवर्सिटी में मजे किया करें, यूनिवर्सिटी में। रहने दे बख्शी जी, यूनिवर्सिटी के अजीब बदतमीज बेढंगे लड़के। अच्छा ये बताएं, वो आप कोई जिक्र कर रहे थे कि यहाँ शूटिंग्स वगैरह चलती हैं, मॉडल्स वगैरह आती हैं। बहुत जी, बिल्कुल। पहले तो बहुत होती थी, अभी वो आपके आराम की वजह से मना कर देता हूँ जी वो। नहीं बख्शी साहब, आप मेरी वजह से बिल्कुल कैंसिल ना करें। अगर कोई ऑफर्स आपको आ रही हैं तो आप ज़रूर कबूल करें। जी ऑफरें ही ऑफरें, एक फ़ोन तंग कर रहा है जी, वो कैलेंडर की शूट है, मैं फिर फ़ोन कर दूँ? आप उनको हाँ कर दूँ। अच्छा थोड़ी रौनक ही लगी रहेगी, वरना यहाँ मैं बैठ के आपको देखता रहूँगा, आप मुझे देखते रहेंगे। अब आप तो मेरे लिए मॉडलिंग करने से रहे, है कि नहीं? ऐसे ज़रा करके दिखाएं आप क्या करो। कैट। अरे चुप, जिस तरह मॉडल्स चलती हैं इतने तो देखते रहते हैं आप, करके दिखा। मैं फोन। जुगनू वैसे एक बात बताओ, इतनी लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत क्या थी भला? अरे भाई जब बात बनानी थी तो लंबी छोड़ने में क्या हर्ज है भला, अच्छा है ना, जरा रोक पड़ा है उन लोगों पे। हाँ सही है, वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। क्या बातें बनाना? नहीं नहीं, पेरिस जाना। हम कौन सा जा सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं बता रहा हूँ ना कि हम जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग शूटिंग के लिए जाते आते रहते हैं। कहाँ? पेरिस? अब पेरिस तो नहीं, लेकिन पेरिस जाया जा सकता है अगर थोड़ी सी होशियारी के साथ काम किया जाए तो। अच्छा कैसी होशियारी? होशियारी हाँ, जैसे अभी तुमने किसी की टोपी किसी के सर पे डाली, बिल्कुल ऐसी ही होशियारी। मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हो। अरे जुगनू इस सब को छोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेरिस जाना कैसे। आओ मेरे साथ। रहने दो, पहली रात ही पता चल गया था मुझे कि मुझे अपने कदमों से ऊंचे ख्वाब नहीं देखने, टूट जाते हैं। अरे बेडरूम में खाना गर्म करके लाते हैं। खा क्या है? कहाँ से खा के आया? जुगनू तैयार हो गई हो तुम? हाँ बस एक मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी कर लो फिर, हमें निकलना भी है। हेलो, आज पार्टी थी मगर मैं आज कैसे आ सकता हूँ? बॉस मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज मैं। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। ना 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 ना
कैसी लग रही हो? हाँ अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। है ना, शुक्र है तुमने मुझे जोड़े दिलवा दिए, वरना अम्मा ने तो मुझे 4 जोड़े देके भेज दिया था। किसका फोन था? खैरियत है ना सब? वो मेरा एक दोस्त है, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। बेचारा। ऐसा करते हैं कि अभी चलते उसे देखते हुए फिर डिनर पे जाएंगे, है ना? हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं अकेला चला जाऊं। वो असल में मसला ये है ना कि जुगनू, वो उसके पास पता नहीं कितने लोग हों कितने ना हों, तो हो सकता है अगर उसके पास कोई ना हो तो मुझे रहना पड़े। तुम समझ रही हो ना मेरी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ पे क्या करोगी जाकर? हैं ठीक है, लेकिन वहाँ रुक मत जाना, टाइम से आ जाना वापस। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए पूछा कि तुम्हारा प्लान था ना बाहर जाने का, तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? कोई बात नहीं, अब रोज रोज कहाँ वहाँ पे भी डिनर पे जाती थी मैं, लेकिन टाइम से आ जाना, साथ खाना खाएंगे। हाँ ये ठीक है, चलो दरवाजा बंद कर लो। अल्लामे जी, उसका एक्सीडेंट आज ही करवाना था, मेरा डिनर। अरे आपा मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, कैसे चुल्लू में उल्लू हो गया वो लड़का, तो ऐसे जीजी दूल्हा बना बैठा था। मगर एक बात है, हमारी जुगनू है बड़ी खुश नसीब। शुरू शुरू के चाव चौंचने हैं, सभी ऐसे होते हैं। अरे आपा तुमने भी खूब कही, हमारे तो शुरू में भी ना हुए चाव और चौंचले। अरे हर वक्त अपनी कहानी लेकर ना बैठ जाया कर किशो। अरे हाँ मैं ये कह रही थी शाहजहान कि भाई मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे आपा अब भला क्या काला नजर आएगा, सब कुछ तो अपनी आंखों से देख लिया आपने, ऐसा खुश शक्ल और प्यारा दामाद, जुगनू के चेहरे पर खुशी देखी थी आपने? ना भाई ना, मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, ऐसे कोई इतना मीठा नहीं होता, कोई ना कोई चक्कर है जरूर। आपा हमारे पास कौन सी जायदादें हैं कि कोई चक्कर चलाएगा, ले दे के एक बेटी थी वो भी उसी के पास है, अल्लाह खैर से। आइए देख लो, खैर से हमारी किशो तुम्हारे सामने बैठी है, कौन सी कमी है इसमें? लेकिन ये जो मर्द जात है ना, जब तक औरत को 2 कौड़ी का ना कर ले चैन से नहीं बैठता। और खैर से यहाँ तो मोरी की ईंट चौबारे में लगा दी गई है, अल्लाह खैर करे। मेरी समझ में नहीं आता आपा कि क्या बैर है आपको खुदा वास्ते का इम्मू से, अब मेरी बेटी क्यों होने लगी मोरी की ईंट? अहलो मैंने तो एक मिसाल दी है, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे भले को ही कह रही हूँ, मैं कोई दुश्मन हूँ तुम्हारी? मैं आपा ठीक ही तो कह रही है, आजकल तो कोई किसी को अपना बुखार ना दे। वो बात नहीं है किशो, अब आप लोग अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें तो मैं भी मुतमईन हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल दुरुस्त जगह ब्याह कर गई है और खुश भी है। छोड़े इनको, हम ड्रामा देखते हैं। बेडरूम में खाना गरम करके लाते। खा क्या है? कहां से खा क्या है?